चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। हमारे अभियान का सहयोग करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं। अंदर है पप्पा मुझो जाओ रूम पर जो वेट लेते थे सब पास ۔2013 میں جو کچھ فسادات یہاں ہوئے تھے تو ان کا مرکز تقریباً بڑھانا ہی رہا، بڑھانا اور پھگانا تھانہ کے اندر سب، یہ زیادہ تر جو 8-7 گاؤں تھے وہاں جھگڑا ہوا۔ اب جو سیاسی لوگ ہیں وہ جس طرح کی سیاست آج کل ہندوستان میں چل رہی ہے ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی سے، ان لوگوں نے پھر ٹارگیٹ شاید پھر یہی کہ بڑھانا ایک سینسٹیو جگہ ہے، اسی کو شاید سلیکٹ کیا ان لوگوں نے۔ गवाना गांव है तो वहां उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया बीजेपी वालों का यहां आना मना है। नहीं, ये तो सबका सारा का सारा एक घंटे का मामला है। ये झगड़ा भी होना, वो छेड़छाड़ वाला मसला भी होना। असल छेड़छाड़ का मसला तो बताते हैं कि कई रोज पहले हुआ, वो उनके साथ कुछ लोग आए तो इनके साथ यहाँ कहा सुनी हुई तो उनकी मारपीट हो गई, वो थाने में चले गए। पुलिस उनको साथ लेके, लड़की ने वहाँ स्टेटमेंट दिया कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई, पुलिस उनको लेके आई और पुलिस ने एक तरफ से लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। जो वहाँ जो लोग मौजूद थे उनका कहना ये, हम तो नहीं थे वहाँ पर, तो उन्होंने काफ़ी पहले से जहाँ ये घटना हुई छेड़छाड़ की उससे पहले से लाठी मारना शुरू कर दिया। तो वहाँ जो हमारे बुढ़ाना इंचार्ज हैं उनके साथ कुछ लोगों ने बदतमीजी की, वो उसके बाद फिर वो मामला वहाँ से तो ख़त्म हो गया। फिर वो पुलिस फोर्स को ले के आए तो यहाँ ये पुलिया हमारी है, ये यहाँ पर आ गए लोग। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ सीओ साहब आ गए, सीओ साहब ने कहा कि साहब ये मामला बढ़ना नहीं चाहिए, कुछ जिम्मेदार लोगों को, सीओ साहब यहाँ बैठ गए आके किसी के यहाँ और इस बात को ख़त्म करने के लिए बातचीत चल रही थी। उसी दौरान कुछ लोग भागे हुए आए कि साहब आप यहाँ मीटिंग कर रहे हैं और बाहर तो लाठीचार्ज हो गया, तो पुलिस ने पुलिया पे आके लाठीचार्ज किया। तो उसके बाद फिर पुलिस ने जो वहाँ लोग खड़े हुए थे उनको गिरफ्तार किया, वहाँ से ले गए, पिटाई की भी वीडियो हैं लोगों के पास। और जो वहाँ ऐसे भी लोग थे जिनका इस झगड़े से पत्थरबाजी से कोई वास्ता भी नहीं था, जिस हंगामा हुआ तो लोग शटर बंद करके अपनी जा रहे थे, ऐसे लोग भी हैं कि पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और बेगुनाह लोग भी जेल गए। हाँ जी, दुकान खोल खड़ा है हमारा लड़का, पुलिस वाले आए, अच्छा जी उनके हाथ पे लाठी मारी, उन्होंने मान ले गए पुलिस वाले, गाड़ी में ले गए एक पुलिस वाले को, हमारे लड़के को जो पड़ा पट्टी यूँ ले गए तो लाठी करवाएंगे।
जब यहाँ झगड़ा हो गया, फितना हो गया, फसाद हो गया, जो भी कुछ होना था, मार पीट कुछ भी हो गया, जब वो बाद में सारे कामों से बाद में आया है कि अब वो वहाँ से आगे यहाँ तो भी लेन गया। अब वो बच्चा जरा दिल का कमज़ोर है, डरे हैं कि अब वो वहाँ से उन्होंने जो पुलिस को ये देखी तो वहाँ से चल गया। अब यहाँ पाँच चार आए और उसे यहाँ पकड़ लिया। एक तो कार्रवाई ये होती है कि भाई क्योंकि उन्होंने पुलिस पे वार किया है, बदतमीजी की है, आपने लिखा पढ़ी में कार्रवाई करी। हम तो चाहते हैं अगले एक घंटे लगातार लाठी बटू जाओ साड़ों पे और एकदम खड़े होकर लाठी बटू। महिलाओं के साथ जो छेड़छाड़ होती है, क्या वो छेड़छाड़ जो करता है वो जाति या धर्म देखकर करता है या फिर उसको छेड़ना ही होता है? भैया जो छेड़ता है जो छेड़ता ही है, जो आदमी गलत है, जो गलत निगाह से देखेगा, वही जो करता है, जो गलत निगाह से देखेगा वही करेगा ऐसा काम। एक धारणा ये बना दी गई है कि मुसलमान या दलित या मुसलमान ये हिंदू लड़कियों को छेड़ते हैं। ये तो बदनाम करने वाली जो किसी को छेड़ना हो वो तो जात धर्म देखता नहीं, चाहे इसमें हो हिंदू हो मुसलमान हो चाहे जाट हो कोई से भी धर्म हो। और अधिकतर जो मतलब अमीर घर के लड़के होते हैं बिगड़े हुए वे ज्यादा करते हैं, किसी गरीब लड़की को देखा उसकी जात नहीं देखते भैया। वह भाई किसी की गरीब लड़की ट्रेनों में सफर में या कोई कमजोर लड़की है ये होते हैं ना ज्यादातर, तो वो उसे छेड़ते हैं, उसका मतलब गरीबी का फायदा उठाते हैं। 2019 का चुनाव आ रहा है इसलिए झगड़ा दंगा फसाद कराया जा रहा है, हो सकता है, हो सकता नहीं कराया जा रहा है, कराया जा रहा है, हो भी रहे हैं ये तो, ये लेडीजों का मुद्दा डाल रहे बीच में। हाँ वही है 2019 की तैयारी, ये लोग कव्वाल जैसी घटना बढ़ाने में दोहराना चाहते हैं। शासन प्रशासन दोनों ने मिल के जो लोगों का यहाँ अत्याचार हो रहे हैं विशेषकर एक धर्म के लोगों पर, तो ऐसी स्थिति पैदा करना चाह रहे कि दोबारा लोगों में वही हिंदू मुस्लिम का झगड़ा, जबकि नवरात्रि के मौके पर ज़बरदस्ती पुलिस के साथ हिंदू युवा वाहिनी के लड़के कुछ नॉनवेज होटलों को बंद करा रहे थे ज़बरदस्ती, जबकि शासन का कोई ऐसा आदेश नहीं था। कुछ गरीब लोग जो ठेले पर फल वगैरह बेचते हैं, एक दरोगा हमारे यहाँ उसका काफ़ी हवा है, लोगों को परेशान करता है, किसी की ठेली उलट दी, किसी का कुछ कर दिया, लेकिन लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा और इस कदर भय लोगों में है कि कम से कम 100 परिवार बुढ़ाना छोड़ के अपने घरों में ताले लगा के गायब हैं। Come on.